प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भले ही कांग्रेस ने महिलाओं और लड़कियों पर दाव खेला हो, लेकिन कांग्रेस के उन तमाम दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले कैंपेन की जो सबसे आगे रहने वाली महिला है यानी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, उन्होंने पार्टी पर कई संगीन आरोप लगा दिए। देखिए रिपोर्ट। टिकट के लिए उनसे मांगी गई घूस, ओबीसी होने के कारण उन्हें नहीं दिया गया टिकट। पार्टी में चल रही है धांधली, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली ये पार्टी तो महिला विरोधी है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि कांग्रेस की पोस्टर गर्ल यानी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पार्टी पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पोस्टर में सबसे आगे रहने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पार्टी पर कुछ ऐसे आरोप लगा दिए जिससे प्रियंका गांधी वाड्रा के महिलाओं को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों की पोल खुल गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 403 सीटों में से 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट का दावा कर रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने पार्टी के सचिव संदीप सिंह पर धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इतना ही नहीं, महिला कांग्रेस की मध्य जोन की उपाध्यक्ष प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया, मुझे यूज किया गया, ये पार्टी तो महिला विरोधी है, इस पार्टी में काफी धांधली हो रही है। प्रियंका मौर्य यही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि यहाँ पर तो सारे टिकट पहले से ही तय थे और सिर्फ दिखावे के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया कि टिकट चाहिए तो मैराथन के लिए लड़कियां लाइए, लेकिन मैराथन में लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। आपको बता दें कि जिस सीट से प्रियंका मौर्य चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी थी वहां से रुद्र दमन सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया और कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के कुछ घंटे बाद ही डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी में टिकटों की सौदेबाजी का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह ने उनसे टिकट के एवज में रुपए के लिए किसी से फोन करवाया था और रुपए ना देने पर उनकी जगह किसी और के नाम का ऐलान कर दिया गया। उनका तो ये भी दावा है कि हर आरोप का उनके पास पुख्ता सबूत है जिसे जल्द ही वो सार्वजनिक करेंगी। पार्टी के प्रवक्ता अशोक सिंह ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि टिकट ना मिलने की वजह से वो पार्टी पर झूठा आरोप लगा रही हैं। वैसे तो इस वक्त तमाम पार्टियों में अंदरूनी कलह साफ देखी जा सकती है और लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रही कांग्रेस भी भीतर घात की शिकार है और अब ऐसी एक कलह की वजह से पार्टी में नया बवाल छिड़ गया जिसने कांग्रेस को, खासकर पार्टी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले कैंपेन को चर्चाओं में ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।